नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सूरत से भागलपुर तक चलने वाली सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते में दो दिन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 22947। सूरत रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है भागलपुर के लिए रवाना होती है और सूरत से भागलपुर की जो दूरी है 32 घंटे 25 मिनट में कवर करती है। इसके टोटल 37 स्टेशन हैं, 1822 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 56 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेज वाली ट्रेन है और इसका ट्रेन नंबर है 22947। सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। अगर इसके रूट मैप के बारे में बात करें तो सूरत से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट करती है, फिर नंदूरबार होते हुए ट्रेन जो है जलगांव भूसावल को क्रॉस करते हुए खांडवा इटारसी होते हुए जबलपुर में पहुंचती है। जबलपुर के बाद कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन के बाद सतना जंक्शन होते हुए ट्रेन जो है मानिकपुर जंक्शन के थ्रू प्रयागराज चिपकी जंक्शन में पहुंचती है। फिर मिर्ज़ापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, दानापुर, पटना, मुकुमा, क्यूल, जमालपुर होते हुए ट्रेन जो है भागलपुर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए इसे 1824 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है। अगर बात करें टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो सूरत से भागलपुर तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। तो इसमें सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों का मैं आपको टिकट किराया बताऊंगा। अगर बात करें इसके सेकंड AC के किराए के बारे में तो सूरत से भागलपुर तक का किराया है 2805, जिसमें 2576 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 134 रुपये है। टोटल किराया 2805 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो सूरत से भागलपुर तक का किराया है वो है 1945 रुपये, जिसमें 1767 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 93 रुपये है। टोटल किराया 1945 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका सूरत से भागलपुर तक का किराया है 745 रुपये, जिसमें 695 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 745 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें जनरल डिब्बों की बात करें तो तीन जनरल डिब्बे हैं। एक जनरल डिब्बा इंजन की तरफ और दो जनरल डिब्बे ट्रेन के पीछे की तरफ लगे हुए हैं, जिसका टिकट किराया लगभग 440 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया यह सूरत से भागलपुर तक का बताया है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार के कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते। आपको ट्रेन के अंदर डायरेक्टली जो है फूड खरीदना पड़ता है। फूड का आनंद जो है आप ट्रेन में ही ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है सूरत रेलवे स्टेशन से हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 10:10 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 32 घंटे 25 मिनट बाद भागलपुर में अगले दिन शाम के 6:35 पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 37 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है सूरत का ही उतना जंक्शन। यहां पर ट्रेन जो है सुबह के 10:11 पर पहुंचती है और 10:13 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 4 नंबर। इसके बाद सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है व्यारा रेलवे स्टेशन गुजरात का जो आखिरी स्टेशन है यहाँ पर सुबह 11 बजे पहुँचती है और 11:01 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 61 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है नवापुर महाराष्ट्र में सुबह 11:34 पर पहुँचती है और 11:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नवजीवन एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद नंदूरबार रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 12:25 पर पहुँचती है और 12:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 160 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ढोंडीचा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में दोपहर के 1:02 पर पहुँचती है और 1:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 195 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है।
इसका स्टेशन कोड है DDE। इसके बाद ये ट्रेन जो है अमल ने रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में दोपहर के 2:03 पर पहुँचती है और 2:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 256 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 3:10 पर पहुँचती है और 3:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 310 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है दोपहर के 3:40 पर पहुँचती है और 3:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 337 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बुरहानपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में पहुँचती है शाम के 4:38 पर और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 390 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खांडवा जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 5:47 पर पहुंचती है और 5:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 400। इसके बाद सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है हरदा रेलवे स्टेशन पर शाम के 7:01 पर पहुंचती है और 7:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 566 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुँचती है। इटारसी जंक्शन में रात के 8:15 पर पहुँचती है और 8:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आधारतल रानी कमलापति हबीबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद पिपरिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में रात के 12:10 पर पहुंचती है और 12:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 या 7 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रीवा एकता नगर महामना एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद कटनी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1:50 पर पहुँचती है और 1:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 977 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन में इसका पहुंचने का समय है 1:50 पर रात को और 1:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सतना जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 3:25 पर पहुँचती है और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,075 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। पटना अरनाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। मानिकपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में यह ट्रेन जो है सुबह 4:48 पर पहुँचती है और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पवन एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज चिपकी जंक्शन में जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है सुबह 6:35 पर पहुँचती है और 6:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,245 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:33 पर पहुंचती है और 7:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,318 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है सुबह 7:45 पर और 7:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,325 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। चुनार जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के सुबह के 8:20 पर पहुंचती है और 8:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। नेताजी एक्सप्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में सुबह 9:22 पर पहुँचती है और 9:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। दून एक्सप्रेस और सियालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दिलदार नगर जंक्शन में पहुँचती है सुबह 10:20 पर और 10:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1,446 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बक्सर रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:47 पर पहुँचती है और 10:50 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
1482 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में सुबह 11:43 पर पहुँचती है और 11:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दानापुर रेलवे स्टेशन पटना बिहार में दोपहर के 12:20 पर पहुँचती है और 12:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1590 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। पटना जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:05 पर पहुँचती है और 1:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सूरत से पटना की जो दूरी है 1600 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बख्तियारपुर जंक्शन बिहार में दोपहर के 1:58 पर पहुँचती है और 2 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1645 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BKP। इसके बाद ये ट्रेन जो है मकोमा रेलवे स्टेशन पे दोपहर के 2:30 पर पहुँचती है और 2:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1690 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MKA। इसके बाद केयूल जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 4:07 पर पहुँचती है और 4:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1723 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कजरा रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:28 पर पहुँचती है और 4:29 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1740 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अभयपुर रेलवे स्टेशन बिहार में ट्रेन जो है शाम के 4:40 के करीब पहुँचती है और 4:40 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1746 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है AHA। इसके बाद ये ट्रेन जो है जमालपुर जंक्शन बिहार में शाम के 5:16 पर पहुँचती है और 5:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1768 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। बरियारपुर बिहार में ट्रेन जो है शाम के 5:33 पर पहुँचती है और 5:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1780 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन सुल्तानगंज में पहुँचती है शाम के 5:54 पर और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सूरत से सुल्तानगंज की जो दूरी है 1797 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सूरत भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है सूरत से चलकर अपने आखिरी स्टेशन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। भागलपुर जंक्शन में शाम के 6:35 पर पहुँचती है और 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, इसी के साथ सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।